नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। मंदिर ऐसा जहां होते हैं चमत्कार, जहां गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं ठीक, जहां पर दवाइयां भी काम नहीं आती, वहां पर मंदिर के दर्शन एवं आस्था से भक्त होते हैं स्वस्थ। जी हां, यह दावा है मंदिर के संरक्षक एवं वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का, जो बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। यहाँ पर लोग देश के कोने कोने से आते हैं। आपको बता दें, यह मंदिर है बाबा भूतनाथ का, जो कि इंदौर शहर के नज़दीक रंगवासा गांव में स्थित है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट बाबा भूतनाथ मंदिर रंगवासा से। आए हुए हैं रंगवासा, राऊ के पास ये रंगवासा नाम की जगह है जहाँ पर बाबा भूतनाथ का ये मंदिर है। यहाँ पर लोगों की कई तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी जिनके साथ भी कोई समस्या होती है, किसी को कोई बीमारी है, उन बीमारियों को भी ठीक करने का, बाबा के प्रसाद से ठीक होने का बताया जाता है। आइए पूछते हैं यहाँ के संचालक लोगों से, जानते हैं क्या है यहाँ की पूरी कहानी। बाबा भूतनाथ मंडली, जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। यहाँ मंदिर तो अति प्राचीन पुराना मंदिर है। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई तंत्र क्रिया यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। जो कुछ भी है, बाबा स्वयं बाबा भूतनाथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से हर एक कार्य सिद्ध हो रहा है, हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो रही है। तो ये मंदिर कितने सालों पुराना है? ये 150 से 200 साल पुराना मंदिर है। मंदिर तो छोटा था, पर धीरे धीरे जैसे लोग आते गए, चीज़ें बढ़ती गई, ऐसे ऐसे मंदिर का प्रारूप बढ़ता जा रहा है। ये कब पता चला कि यहाँ आने पर लोगों की मान्यताएं पूरी हो रही हैं और ऐसा हो? भैया, ये तो शुरू से पता है कि यहाँ लोगों के आने से काम मन्नत या मान मन्नत जो भी है पूरी हो रही है। जैसे जैसे पता चल रहा है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को पैरालिसिस है, किसी की लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, उन लोगों को यहाँ बाबा के ऊपर से जल उतार के दे रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत आराम है लोगों को। मतलब ऐसा बच्चा आया था, मेरे मोबाइल में वीडियो है कि उसको ब्रेन में पानी भरा हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भैया ठीक नहीं होगा। 3 ऑपरेशन हो चुके थे, उसको डॉक्टर ने छुट्टी कर दी थी और बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ उसके ऊपर, ऐसा आशीर्वाद बना बाबा का कि वो बच्चा पूरा स्वस्थ और उसके ब्रेन में कुछ भी पानी नहीं है। ये एक वाकई में मतलब कहना पड़ेगा कि अगर किसी को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं हो तो एक बार बाबा भूतनाथ के मंदिर आए, यहाँ साक्षात बाबा भूतनाथ बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत बाहर से, बाहर जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, जगह जगह अलग अलग स्टेटों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। मतलब आपका कहना है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ आ रहे हैं। अभी भी अगर यहाँ आप देखोगे तो आउट ऑफ इंदौर 60-70-100 किलोमीटर दूर के लोग यहाँ पे है अभी भी आरती में। बाबा का विशेष महत्व, 7:30 बजे आरती होती है, उसमें आरती में आप 4 बत्ती का दीपक लगाओ। जो भी ये वीडियो देखेंगे उनसे भी मैं यही निवेदन करूँगा, रोज़ शाम को 7:30 बजे 4 बत्ती के सरसों का तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में लगाए बाबा भूतनाथ के नाम से। बाबा भूतनाथ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पूजा और आरती का समय क्या क्या रहता है? शाम को 7:30 बजे आरती। इसके अलावा मॉर्निंग में भी होती है? मॉर्निंग में 7-7:30 बजे आरती होती है, 7:30 बजे। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आई हूँ और मेरा बेटा बीमार था। मेरे बेटे को लीवर मतलब पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था, इन्फेक्टेड था, उसको पीलिया हो गया था, पेट में पानी था। मतलब मंदिर आने के पहले तक ये कंडीशन थी कि वो खाना खा ही नहीं रहा था। और मैं मंदिर आई थी उसके एक दिन पहले, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद मैंने बाबा की अर्जी लगाई, बाबा की अर्जी लगा के और मैंने यहाँ से पानी लेकर गई। मैंने सिर्फ उसको मतलब 1-2 घूंट इतना ही पानी पिया होगा, उसके 2 से 2.5 घंटे के बाद में डॉक्टरों ने खुद कह दिया कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा ऐसी है कि मेरा बेटा मतलब बिल्कुल बगैर ऑपरेशन के वो ठीक है। पूरा टाइम पीरियड में उसको सिर्फ बॉटलें चढ़ी थी, बाकी डॉक्टरों ने ऑपरेशन से मना कर दिया और आज वो ठीक है। उसके जस्ट 1-1.5 घंटे बाद ही उसने खुद से खाना मांगा, खाना भी खा रहा है और आज चल फिर रहा है, घूम रहा फिर रहा है। और बाबा की मेहरबानी है
कि मेरा बच्चा चल रहा है और यहाँ से जो भी आता है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, मैंने जिसको भेजा था, मेरे आने के पहले भी मैंने 4 से 6 लोगों को भेज चुकी हूँ, वो भी अपनी जो भी अर्जी लगा के गए ना, वो अर्जी पूरी हुई है उनकी। और मैं तो खुद जीता जागता, मैं इस हालत में आई थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाबा से क्या बोलूँगी और क्या नहीं बोलूँगी। तो अब आपका कहना है कि अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं? पूरी तरह अभी है, यहाँ से जो पानी दिया है वो रेगुलर पी रहा है। और मतलब ये है कि आप जो कंडीशन उसकी देखोगे जिस दिन यहाँ आया था उससे, उसके पहले की कंडीशन और अब कंडीशन आप देखोगे तो बोलोगे कि हाँ ये पूरी तरीके से ठीक है। तो मतलब अब खाना वाना खा रहे हैं? 4 टाइम खाना खाता है अब तो, मतलब ये हालत है उसकी। वो बिल्कुल खाना नहीं खाता था, मतलब पानी भी पीता था ना तो उसको वो वोमिट हो जाती थी। क्या नाम है बच्चे का? मेरे बेटे का नाम है श्रीकांत जाट, मेरा नाम वंदना जाट है, ये मेरे हस्बैंड है सत्यनारायण जाट, हम लोग इंदौर। मैं मानपुर का रहने वाला हूँ, मैं ये 5वीं बार आ रहा हूँ। जो अभी अपन ने अर्जी लगाई थी बाबा ने, अपने मनोकामना पूरी करी है। मैं बहुत दारू पीता था और काम धंधा नहीं था मेरे पास, आज मैं ठेकेदारी लाइन पे हूँ बाबा की कृपा से। भूतनाथ बाबा की सरकार की दवा ऐसी लगी अपने को कि आज मैं बड़े बड़े ठेके ले रहा हूँ। अच्छा, दारू छूट गई? दारू भी छूट गई, 5 हफ्ते हो गए मेरे को, 5 संडे हो गए आते आते से। मैं एक और छोटा सा निवेदन, जो भी भक्त बाहर से आ रहे हैं, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएं, वहां से राव की बस मिलेगी, आप सीधे राव आइए। राव में कहीं भी पूछेंगे, उमिया धाम मंदिर के पीछे और नखराली ढाणी के पास में बाबा भूतनाथ का मंदिर है। कुल मिला के यदि यहाँ किसी को आना हो तो सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ की जगह हुआ करती थी नखराली ढाणी, वहाँ पर आएँ, उसके पार्किंग के साइड से ही रास्ता है और यहाँ सीधे आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल आसानी, दोनों रास्ते क्लियर हैं, दोनों रास्ते। गूगल लोकेशन से आओगे तो उमियाधाम मंदिर से आना पड़ेगा आपको, क्योंकि उधर से आओ, सब भक्त उधर से ही आ रहे, तो इसलिए मैंने उमियाधाम का जिक्र करा। उमियाधाम मंदिर के जस्ट पीछे है मंदिर। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।